नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कोविड के वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में। तो शुरू करें। तो जैसा आप जानते हैं कि तीसरी लहर हमारे पास आ चुकी है और मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के हैं। देखिए, आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो सारी जो है रिसर्च प्रॉपर आर्टिकल्स और स्टडीज़ से हैं और प्रॉपर जर्नल से हैं। लेकिन इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि महामारी में एक जो चीज़ होती है इसको महामारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कोई वायरस रेप्लिकेट करता है या म्यूटेट करता है वो इतनी तेज़ करता है और इतनी तेज़ फैलता है कि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो जो है बहुत शॉर्ट टर्म होता है। साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें कि जितना लंबा टर्म जो हमारे पास होता है स्टडी का, जिसपे हम जो है मरीजों की जो है जांच कर सकते हैं, उसके इंटरवेंशंस और जितने भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, वो सारे जो लक्षण वक्षण है उसको हम देख सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, जितनी देर तक वो लंबा पीरियड रहेगा उतनी जो है हमारी कंटस्ट स्टडी होगी। लेकिन बिकॉज ये जो हमारा वायरस है वो बहुत जल्दी जो है अपना रूप बदल रहा है, तब्दील हो रहा है नए नए वेरिएंट में, इसी वजह से हो सकता है कि जो चीज़ हम आज बोलें वो कुछ दिनों बाद वो चीज़ हो सकता है उस तरीके से लागू ना हो, क्योंकि ये वायरस बहुत बदमाश चीज़ है। तो अगर आज हम जो चीज़ बोल रहे हैं इस वायरस के बारे में और इसके जो है आपके लक्षण के बारे में, एट द सेम टाइम कोई ट्रीटमेंट के बारे में या कोई ड्रग्स के बारे में, हो सकता है कुछ महीने बाद या साल बाद वो चीज़ उस चीज़ पर लागू ना करे क्योंकि वायरस अपनी म्यूटेशन दिखा चुका है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट है क्या। तो कोरोना वायरसेस बहुत टाइम से रह चुके हैं, लेकिन ये सार्स कोव 2 जिसको हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस, जिससे कोविड 19 फैलता है, ये काफ़ी हद तक जानलेवा है, जिसकी वजह से ये महामारी आ चुकी है। जो अल्फा वेरिएंट था वो आपका जो है यूके में पाया गया था, जो बीटा वेरिएंट था आपका साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जो गामा वेरिएंट था वो ब्राज़ील में पाया गया था, और फाइनली डेल्टा जो है जिसकी स्पेशलाइजेशन इंडिया में हुई थी, और उसकी वजह से आप भी जानते हैं कि जो सेकेंड वेव आई थी उससे कितने लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल झंझोड़ गई थी, और आपको भी पता है उसका जो है क्या आपका असर हुआ था हम सब पे। अब मैं बता रहा हूँ जो नया वेरिएंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन जो है बेसिकली, पहले हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस एक एनवलप वायरस है जिसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, एक स्पाइक प्रोटीन कोट होता है। अब देखिए, अगर आप उसको सोचिए एज अ चोरों चक्का, अगर आप जो है कहीं पकड़े गए, मान लीजिए आप अल्फा वेरिएंट है और आप पकड़े गए, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, आपने दवाइयाँ देनी शुरू की और वो सब ठीक हो गया, आपकी इम्यूनिटी भी ठीक हो गई, वैक्सीन भी लेनी शुरू कर दी। अब ये चालाक चीज़ क्या करेगा, ये जो है अपना जो भेस है वो बदलने की कोशिश करेगा, यानी कि ये अपने आप में म्यूटेशन करना शुरू करेगा, स्पेशली इसके जो प्रोटीन कोट है, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसमें जो है करना शुरू करेगा। ये पता चला है जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है जिसकी जो है खोज जो है नवंबर 2021 बोत्सवाना में हुई थी, उसके बाद ये फैलना शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में, और इसमें क्या पता चला कि 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये म्यूटेशंस जो है इससे क्या होता है, जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स और एंटीबॉडीज़ हैं, जो आपके बेसिकली डिफेंस की जो बॉडीज एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो जो है इसी प्रोटीन कोड से जनरली जो है किसी भी वायरस को पहचानती हैं और फिर उस पर एक्ट करती हैं। अब सोचिए कि इसने जो है वायरस ने अपना भेस बदल दिया, 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो गई हैं, जिसकी वजह से अब वो जो है ये एंटीबॉडी के जो है पहचान में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ओमाइक्रॉन 1 के बारे में क्या पता चली है कि जो है ओमाइक्रॉन जो है सबसे ज़्यादा लक्षण जो दिखा रहा है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में दिखा रहा है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन नाइव पॉपुलेशन, यानी कि जिनको जो है वैक्सीनेशन नहीं लगी है फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे उन्होंने खुद ना लगवाई हो। क्या मतलब है कि अगर आप जो है वैक्सीनेटेड नहीं हो तो हो सकता है आप में जो है ओमाइक्रॉन के जो लक्षण हैं वो बहुत तीव्र हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वहाँ पे डेथ भी हो गई है। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो हो सकता है मोस्ट लाइकली आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं। उसी सांस में आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। कोई भी वेरिएंट जो आपका कोरोना वायरस का है, चाहे वो ओमाइक्रॉन हो, अल्फा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, इनफैक्ट डेल्टा अभी भी जो है इंडिया से गया नहीं है, ये दिख जरूर रहा है कि ओमाइक्रॉन जो है अब जो है डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है उनके लिए खुशखबरी है कि उनमें जो है जो लक्षण है बहुत माइल्ड आ रहे हैं। इनफैक्ट जो इनिशियल टेस्ट्स भी हुए थे उसमें ये पता चला है कि जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर एसिम्टोमेटिक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सावधानी बरतनी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप मान लीजिए 18 से ऊपर और 60 से नीचे के व्यक्ति हैं जिसको दोनों वैक्सीनेशन लगी हुई है, आपको तो लग रहा है जी मेरे को तो कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन
ये ओमाइक्रॉन किस किस को अफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये आपको अफेक्ट करेगा जितने लोग छोटे उम्र के बच्चे हैं और जो है 18 से उम्र के साल के कम लोग हैं। दूसरी चीज़, जितने लोग 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, ये लोग भी जो है ओमाइक्रॉन चाहे जितना जो है हल्का हम लोगों को लगे, यंग लोगों को लगे, बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। तो प्लीज़ अपना मास्क बिल्कुल ठीक से पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए, और प्लीज़ अगर बिल्कुल ज़रूरी ना हो तो कहीं बाहर मत जाइए, स्पेशली कहीं घूमने। नया साल ख़त्म हो चुका है, अब आप जो है बेसिकली अब आपको घर बैठना है थोड़े दिन, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने नंबर ऑफ़ केसेस डेल्टा के आए थे अराउंड 1-1.5 महीने में, उतने हमारे पास 10-15 दिन में आ गए हैं। ओमाइक्रॉन बहुत तेज़ फैलता है, मान लिया ये उतना जो है आपको जो है खांसी जुकाम जैसे जो लक्षण देगा, लेकिन जितनी जनता है जो 60 से ऊपर है उनके साथ ये बहुत जो है सीवियर इन्फेक्शन करने के चांसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इनफैक्ट इवन डेथ्स हो सकती हैं। तो आपकी जो है ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि प्लीज़ अपना गार्ड डाउन मत करें और सारे जो है नियमों का पालन करिए। अब बात करते हैं इसके लक्षणों का। लक्षण बहुत सिंपल से होते हैं, आपको लगेगा कि इस टाइम पे क्या है, अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि इतना फैल चुका है कि मोस्ट लाइकली अगर आपको कोई भी एक दो लक्षण साथ में हो रहे हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, बॉडी एक, हेडेक और रनी नोज, बेसिकली आपका जो नाक बहना, और आपको हेडेक भी हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसको अज्यूम करिए कि आपको ओमाइक्रॉन है, और बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ओमाइक्रॉन और डेल्टा में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा में एक सिंपल सा फंडा था, डेल्टा की जो इलनेस थी वो 14 दिन की मानी जाती थी, ओमाइक्रॉन को ये बोला जाता है कि ये 5 दिन तक चला जाता है। तो आजकल ये बोला गया है कि 5 दिन के आइसोलेशन इज़ गुड इनफ, बट देन अगेन मेरे हिसाब से आप इस चीज़ का बफर ज़रूर ले लीजिए और कोशिश करिए कि जितना आप जो है अच्छी डाइट ले सकें और एट द सेम टाइम अपना पोषण बिल्कुल ठीक कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है आपको पालन करना। डॉक्टर्स ये भी चीज़ कह रहे हैं कि ओमाइक्रॉन इज़ अ नेचुरल वैक्सीन एंड अ बूस्टर फ्रॉम सेंट फ्रॉम द गॉड। मतलब क्या है इसका कि देखिए इसको हराना वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हर जगह फैल ही चुका है, लेकिन अपनी जो है सख्ती बरतनी ज़रूरी है। और हो सकता है ये प्रेडिक्शन हो रहा है कि ओमाइक्रॉन से जो है अगर आपको हल्का नज़ला भी होता है लेकिन आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी अगर कोई आगे वेरिएंट आता है कोरोना के अगेंस्ट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको बिल्कुल भी, मैं बार बार ये चीज़ कम से कम 15-20 बार बोलता रहूँगा, प्लीज़ अपना मास्क ठीक से पहनिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए और जो है अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। किन किन लोगों को ओमाइक्रॉन से खतरा है, जैसे मैंने बताया बच्चे और बूढ़े और जितने लोगों की इम्यूनिटी जो है उतनी सक्षम नहीं है, जैसे कि आपके जो है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हार्ट पेशेंट्स हो गए, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हो गए, जिन लोगों को जो है कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई हैं जैसे कि जो कैंसर के जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उन लोगों को जो है ओमाइक्रॉन से बहुत ध्यान से बच के रहना है, बिल्कुल सावधान होकर रहना है। और हर चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि हर वेरियंट जानलेवा हो सकता है, किसी घर में भी एक मौत जो है उस घर का पूरा सर्वनाश कर देता है, मानसिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से। तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल ध्यान से रखिए और इसको हल्के में ना लें। बात करते हैं वैक्सीनेशन की। देखिए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिए तो प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन लीजिए। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को बोला गया है कि अब उनको बूस्टर डोज लगने वाला है और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज जो है ये लोग जो सरकार है उन्होंने जो है शुरू की है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, प्लीज़ ये धूर्तता मत करिए, सोशल मीडिया को मत फॉलो करिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ये बात बोलते हैं उनकी बात मत सुनिए। वैक्सीनेशन से यही पता चला है अगर आपको कोई भी कोविड का चीज़ संक्रमण होता है तो डेफिनेटली आपकी जो है सीरियस इलनेस यानी कि सीरियस डिजीज़ नहीं होगी। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है क्योंकि आप जो है ज़्यादा परेशानी से नहीं जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से दिख रखा है। साउथ अफ्रीका में भी जब ओमाइक्रॉन आया था उसमें यही चीज़ दिखी थी कि अगर जितने लोग जिनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हुआ है, या जो यूके में भी जो वेव आई है जिसकी वजह से बहुत सारे ओमाइक्रॉन के केसेस आए जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर यू नो इलनेस थी, उस सब में यही दिखा कि सब अनवैक्सीनेटेड थे। इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों ने ये भी बात बताई है हॉस्पिटल वालों ने कि लोग गिड़गिड़ाते हुए आए हॉस्पिटल में बोलते हुए कि हमें वैक्सीन लगा दो हम ठीक हो जाएंगे। आपको इस चीज़ की गांठ बांधनी है कि वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म अभी हम इसी बारे में सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ का ऑब्जर्वेशन आया है कि डेल्टा में जो है आपके लंग्स और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
ज़्यादा होता था, यानी कि आपके जो लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं जिसमें एल्वियोलाई, जो छोटे छोटे पाउचेस थैले हैं जिसकी वजह से आपका जो है वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन एक्सचेंज होती थी, और उसके इंटरस्टिशिया यानी कि उसके बिटवीन की जो जगह हैं, जो स्पेसेस हैं उन थैलियों के बीच में, वहाँ पे फाइब्रोसिस होता था और कैल्सिफिकेशन होती थी, और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाता था, लोगों को जो है अल्टीमेटली वेंटिलेटर पर जाना पड़ता था, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ओमाइक्रॉन के साथ एक ये अच्छी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए कि ओमाइक्रॉन बेसिकली आपके हलक, गले और मुंह के आसपास और नाक में पनपता है। अभी जितनी स्टडीज़ आई हैं उसमें यही पता चला है कि नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओमाइक्रॉन नहीं फैलता है। लेकिन बार बार मैं यही बात बोलूँगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, अडल्ट जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं और यंग अडल्ट हैं 15 से 18 और छोटे बच्चे, इन सब के जो है इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, और आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये हो सकता है बाकी चीज़ जो है आपको सीवियरिटी में, इन्फेक्शन में आपके ओमाइक्रॉन जो है यहाँ पे पहुँच जाए और हो सकता है आपको नुकसान पहुँचाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमाइक्रॉन जो है जनरली नाक, गले और हलक में जो है पनपता ज़्यादा है और नीचे नहीं जा पाता है, उसके बारे में पूरी एक साइंटिफिक स्टडी हो रखी है और पता चला है, जो भी चीज़ पता चली है वो मैंने ज़रूर पढ़ रखी है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओमाइक्रॉन के जो लक्षण हैं वो ऊपर ऊपर आपके हलक और नाक के पास रहते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने बात बोली, क्योंकि केसेस इस तादाद से बढ़ रहे हैं, हो सकता है आरटीपीसीआर टेस्टिंग पॉसिबल ना हो, और ये भी फाइंड आउट हुआ है कि ओमाइक्रॉन के केस में आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो बेसिकली स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको अगर ओमाइक्रॉन के लक्षण भी हों या उसका संक्रमण भी हो, आपकी आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रही है। मेरे पास कुछ मरीजों का भी फ़ोन आया था पहले, उससे मुझे पता चला कि उनको बिल्कुल ओमाइक्रॉन वाले वो थे, क्या कहते हैं, लक्षण थे, लेकिन उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमाइक्रॉन एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से तेज़ बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक सिल्वर लाइनिंग है, पहली बात आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है, दूसरी चीज़ ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जो आपके वैक्सीनेटेड लोग हैं और हेल्दी लोग हैं। हालांकि आपको अभी भी प्रीएम्प्टिवली ध्यान रखना है अपने बड़े बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का और जितने लोगों को कुछ भी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जैसे कि डायबिटीज़, आपका जो है कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और ये सब चीज़ें। तो ये था आज का एपिसोड, प्लीज़ अपने क्वेश्चन ज़रूर डालिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैं रिसर्च में जाऊँ, बिकॉज इस पर जो है बहुत रिसर्च होती है, जेनेटिक मॉलिकुलर लेवल पर रिसर्च होती है, लेकिन जितना दिख रहा है कि ये काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें घबराने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि डेल्टा वेव में लोगों ने ये काम किया था, घबरा के स्टेरॉइड्स ले ली थी। जब तक आपका डॉक्टर जो है, आपका जो कोई भी डॉक्टर, जो आपका फिजिशियन है, जो स्पेशली कोविड स्पेशलिस्ट, अगर आपके पास कोई डॉक्टर हो जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे संपर्क करिए, जब तक वो सलाह नहीं देते, प्लीज़ पहली बात कोई भी मेडिकेशन ज़बरदस्ती ना लीजिए। सोशल मीडिया के बहकावे में मत आइए कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि इससे फलाना कोविड ठीक होता है, इससे सब ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करना है। डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका जो आपको ट्रीट कर रहा है, और जब तक उसने आपको कोई निर्देश नहीं दिए कि आप स्टेरॉइड्स लो या सीटी स्कैन कराओ या जो कराओ, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको किन किन लोगों को लगता है कि जगह जैसे कि ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन अगर उनको हो गया या वैसे भी फ्लू लाइक इन्फेक्शन हो गया है, जब उनको बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है और उतर नहीं रहा है, डेफिनेटली आपको जो है डॉक्टर को इमीडिएट संपर्क करना है, क्योंकि फीवर रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का ऐसा होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फीवर, और जितना ज़्यादा तीव्र फीवर होगा, जितना ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, इसका मतलब उतना ही ख़तरनाक वो चीज़ है और उतना ही उसकी जो है जो वो तबाही नीचे मचा सकता है, चाहे आपके फेफड़ों में हो, गले में हो, हलक में हो, जहाँ पे भी हो। तो अगर आपको जो है फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, और हो सकता है वो आपको बोले कि आपको सीटी स्कैन करवाना हो, जो करवाना हो। तो फाइनल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ओमाइक्रॉन आ चुका है, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं, अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए, एक्सरसाइज करिए, घर पे ही करिए, चाहे अपने आप को एक्टिव रखिए, अपनी वैक्सीनेशंस लीजिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, और अपने डॉक्टर से संपर्क करिए अगर आपको लक्षण शुरू होते हैं, और वो आपको सारी एडवाइस देंगे। तो ये था आज का एपिसोड, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।